आप ये बताओ कैपेसिटर के बारे में आप बता रहे हैं, कैपेसिटर में बताओ कितने प्रकार के आपने कैपेसिटर देखे हैं यहाँ पर? नौ, अगर एनपीसी की बात करूं तो मतलब दोनों हाँ मेन तो होता है, एक तो पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। हाँ नॉन पोलर में टाइप करते हैं, चार टाइप में आता है। हाँ एक तो रहेगा अपना ब्राउन कलर, ब्राउन कलर का, दूसरा रहेगा ग्रे कलर, ग्रे कलर का, तीसरा जो आता है उसमें दो ग्राउंडिंग होती है, दो ग्राउंडिंग होती है, तीसरा जो आता है उसमें दो ग्राउंडिंग होती है, ब्लैक कलर की लाइनिंग होती है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम, मेरे साथ में है 28 जनवरी का बैच, और ये कितने दिन का आउटपुट बना रहे हैं हम? पांच दिन का हम आउटपुट बना रहे हैं। और यहाँ सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किन किन लोगों ने यहाँ रिबोलिंग सीखी है, बताइए किन किन लोगों ने यहाँ पर रिबोलिंग सीखी है? सबको रिबोलिंग आती है यहाँ पर? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि किन किन लोगों ने लाइव मोबाइल से सीपीयू निकाल के उसको वापस चालू किया हुआ है यहाँ पर, चलिए एक बार नंबर बताइएगा, जितने एक से ज्यादा बार किया है बताइए, एक एक करके बताओ। दो बार, पांच बार बनाया है, पांच बार, चार बार, बोलते जाओ नंबर, बोलते जाओ, और यहाँ पर दो बार, आप फ्रेशर हैं? कितने लोग यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर हैं जिन्होंने आज तक आईसी पे कभी काम नहीं किया है, यहाँ पे हाथ उठाइए, मतलब आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं और आप लोगों ने यहाँ पे दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार यहाँ पे एक लाइव मोबाइल में सीपीयू निकाल के खुद रिबोलिंग की यहाँ पर, और खुद प्रैक्टिकल किया यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप क्या कहना चाहेंगे, इससे टेलीकॉम की जो लैब है वो इंडिया की सबसे बड़ी लैब है कि नहीं लैब है? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि यहाँ पांच दिन में हमने इसके अलावा क्या सीखा, कॉम्पोनेंट के बारे में बात करते हैं। सो अगर मैं बताऊं कितने टाइप के रजिस्टर्ड होते हैं, एक एक पहला बताइए कितने टाइप के रजिस्टर्ड होते हैं, पहला बताइए कौन सा, दूसरा बताइए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, थर्मिस्टर। अगर मैं सिर्फ वीडियो और थर्मिस्टर की बात करूं, आप आ जाइए, वीडियो और थर्मिस्टर में क्या अंतर है? बिल्कुल, पैलर होता है कि सीरीज होता है? पैलर होता है। और वीडीआर हाई वैल्यू होता है कि लो वैल्यू होता है? हाई वैल्यू होता है सर। आपको कोई सा भी रजिस्टर हो वो हाई वैल्यू हो, लो वैल्यू हो, सीरीज हो या पैलर हो, ये चेक करना आता है कि नहीं आता है? आपके पास ये तक प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाया गया है कि एक रजिस्टर से भी फोन डेड हो सकता है, है ना? और अगर वो रजिस्टर निकल भी जाए तो हमको उधर क्या लगाना है, जंपर लगा, डायरेक्ट जंपर लगाना नहीं है, हमको उसको चेक करना है कि वो जंपर लगाना है कि एक रजिस्टर बिठाना है वहां पर। चलिए थर्मिस्टर कहाँ लगा होता है? थर्मिस्टर लगाता होगा सर चार्जिंग सेक्शन पे। हाँ ठीक है, या फिर तुम्हारा सीपीयू के आसपास, हाँ पीएफओ के आसपास। थर्मिस्टर क्या काम करता है सर? दो टाइप के होते हैं, एनटीसी और पीटीसी। वेरी गुड, इनका सर एनटीसी है, अगर वो अपना हीट देने पर रीडिंग बढ़ रही है तो वो पीटीसी है, पीटीसी है, अगर हीट देने पर रीडिंग घट रही है तो एनटीसी है। तो ये काम क्या करता है सर? काम करता है को मतलब सेफ्टी रखता है, उसके अगर वो हीटिंग हो रही है तो एक्टिव सेंस करता है, सेंस करता है, चार्जिंग पॉज करता है। बिल्कुल, और वीडीआर वोल्टेज पे क्या रहता है? डिपेंड रहता है। तो जनरली वीडीआर जो बीएसआई में लगा होता है, अगर मैं आपसे पूछूं बैटरी एरर अगर आपको आया तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बैटरी एरर कौन कौन निकाल सकता है यहाँ पर फोनों में, निकाल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, बैठ जाइए, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पिंकेश वर्मा। आप कहाँ से आए? जी मैं आया हूँ सर मुरादाबाद, दिल्ली के पास। दिल्ली के पास से इतना आप यहाँ दूर एसर टेलीकॉम क्यों चुना, एक रीजन बताओ सर? बेस्ट होना है इसलिए चुना है सर, बाकी तो काफी इंस्टीट्यूट सिखा रहे हैं लेकिन वो लोग इतना डीपली नहीं सिखा पाते हैं। यहाँ पर आपका पहला दिन क्या सोचा था और अब आपके में क्या सोच है थोड़ा सा बताइए? पहले दिन में और अब में तो काफी डिफरेंस है। पहला जो सोचा था वो ऐसा सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ मालूम हो पाएगा, पता चल पाएगा। अब तो पीसी पे देखने के बाद हर कंपोनेंट पता चल जाता है हमें, कहां आईसीयू की डिटेलिंग मिली कि नहीं मिली। पांचवें दिन हुआ जबकि आईसी की क्लास भी नहीं लगी और आईसी की टोटल डिटेलिंग आ गई है। आ गई है, काम कौन सी आईसी क्या काम करती है। पीसीबी देखने का डर तो नहीं लगता है? कोई डर नहीं लगता यहाँ पे, पीसीबी देखने को डर तो नहीं लगता है? अगर पीएम, पीएमआई, पीएमएल, पीएमए उसकी बात करूं कि उसमें कौन में किस किस में क्या क्या सेक्शन जाता है, ये सारी चीज सबको नॉलेज है कि नहीं है? हाथ निकाल के बताओ किस किस को नॉलेज है यहाँ पर। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? आप ही लगा कि प्रॉपर में आप, थैंक यू सो मच। फिरोज सर से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, फिरोज सर क्या बोलना चाहोगे, इन्होंने कितनी मेहनत की है यहाँ पर? सर इसमें काफी सारे स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर है जो कि कभी इस फील्ड से काम नहीं किए थे और सब ने यहाँ पे सीपी निकाल के लगाया है एक से ज्यादा बार, बहुत मेहनत की है इन्होंने और इन सबके लिए एक बार क्लैप्स कर सकते हैं। फिरोज सर के लिए क्या बोलना चाहोगे यहाँ पर? एक बार क्लैप हो जाए फिरोज सर के लिए।
दुर्गेश सर क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? जैसा कि सर ने बताया कि फ्रेशर हैं और मेहनत कर रहे हैं, शुरू से इनको आईसी रिवॉल्विंग बताई जा रही है, कुछ भी नहीं बताया गया इनको, सीधे एक आईसी दे दी गई और इन्होंने रिवॉल्विंग की और परफेक्ट रिवॉल्विंग की। इनको आगे चल के मेहनत करना है, हैंड स्किल इनको बढ़ाना है। चलिए यहाँ पे मैं इसके साथ पूछना चाहता हूँ, कैबिसेटर कितने प्रकार के होते हैं बोलिए? पहला कौन सा? दूसरा? डायोड कितने प्रकार के होते हैं बोलिए? कौन सा? पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? कौन सा? आपको चेक करना आता है कि नहीं आता है? किसको चेक करना आता है? चलिए ये आपने सीखा है यहाँ पर। कितने घंटे की क्लास लगती है अगर मैं आपसे पूछूं तो? कितने घंटे की क्लास लगती है? 10 घंटा। 10 कितने समय, कितने बजे आते हो सवेरे? 8 बजे। और कब जाते हो? शाम को 8 बजे। तो यहाँ पर जो इतना सोचा था कि मुझे एक इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल मिलेगा, उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पक्का मिल रहा है। यहाँ पर जो यहाँ पर सर लोगों का सपोर्ट है पढ़ाने का, जो उनका तरीका है कैसा है यहाँ पर? बेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो आप लोग से पूछ रहा हूँ, कॉइल कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। बताओ कौन कौन से? नॉर्मल, दूसरा? तीसरा? कपलर, सबको बोलना है। तीसरा? चौथा? बूस्ट कॉइल। सबको आता है कि नहीं आता है? आप आ जाओ, खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या है? आप ये बताओ कि जो कॉइल है ड्यूअल कॉइल, वो कहाँ कहाँ लगी होती है? वही जो सिग्नल पे लगे होते हैं। तो जनरली अगर ये ड्यूअल कॉइल आपकी ओपन हो गई तो फिर या तो डिस्प्ले ब्लैंक हो जाएगा, या तो कैमरा कान कनेक्टेड हो जाएगा, या जिधर भी लगी है वो फॉल्ट आएगा। ये कहां से कहां जाती है? इसका सिग्नल किधर जाता है? सीपीयू में जाता है। सीरीज में होती है कि पैरेलल में होती है? सीरीज में होती है। ठीक है, आपका क्या, आपका नाम क्या है, कहां से आए आप, क्या बोलना चाहेंगे इस टेलीकॉम के बारे में? एशिया में नंबर 1 अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो वह है एशिया टेलीकॉम। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, इनके जोरदार ताली बजा दीजिए। एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन? एशिया टेलीकॉम। एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन? एशिया टेलीकॉम। थैंक यू वेरी मच। और तो यहाँ पर मैं और स्टूडेंट से 2-3 सवाल पूछता हूँ। दोस्तों ये जो वीडियो है हम हमेशा हर महीने बनाते हैं ये आपको बताने के लिए कि क्या हम 5 दिन में आउटपुट देते हैं। ये हमारे वीडियो सेम नहीं होते, ये हर अलग अलग बैचों के साथ होते हैं, क्योंकि हर बैच में नए बच्चे आते हैं और बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, और हर बच्चों को हमको वही शुरू से सब कुछ बताना होता है। तो हम बताना चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर, अच्छा बताओ कि क्लास में कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो जिसको हमने बाहर निकाला हो या जो नहीं हो? पूरे के पूरे वही है ना, मतलब पूरे बच्चों का आउटपुट यहाँ पर हम दिखा रहे हैं जो कि अदर इंस्टीट्यूट शायद नहीं दिखा पाता है। अच्छा यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आ जाओ, आप ये बताओ कैपेसिटर के बारे में आप बता रहे हैं, कैपेसिटर में बताओ कितने प्रकार के आपने कैपेसिटर देखे हैं यहाँ पर? अगर एनपीसी की बात करूं तो ब्राउन कलर का, दूसरा रहेगा ग्रे कलर, ग्रे कलर का, तीसरा जो आता है उसमें दो ग्राउंडिंग होती है। तीसरा जो आता है उसमें दो ग्राउंडिंग होती है। बीच में ब्लैक कलर, ब्लैक कलर की लाइनिंग होती है। कौन से फोन में देखा वो आपने? नोट 5 प्रो में देखा। और ये अभी आने वाले सेटों में ऐसे ही आपके कैपेसिटर्स आ रहे हैं। तो जनरली ये जो एडवांस लेवल पे जो कंपोनेंट आपको बताया जा रहा है, ये आपको जब यहाँ से आप यूट्यूब से जो देख कर आए थे उससे अलग है कि नहीं? अलग है, अलग है। उससे ज्यादा सीखने को मिला है कि नहीं मिला? ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब का छापा हुआ यहाँ पे मिल रहा है? क्या नाम है आपका? अविनाश सामंत। कैसा लग रहा है अविनाश? एकदम बढ़िया, मतलब एनर्जी आ जाती है यहाँ पे, पॉजिटिवनेस है यहाँ पर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जोरदार ताली बजा दीजिए। तो दोस्तों इसी तरह जुड़े रहे चैनल से, और यहाँ पर इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो अभी आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और आगे भी मेहनत करेंगे। और ये हमारा 5 दिन है आज हमारा, और हमारे पास अभी 25 दिन है। कितने दिन है हमारे पास? 25 दिन है। आगे आपको हार्डवेयर में, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर में जो दुर्गेश सर आपको गाइड करेंगे, यहाँ पर आपको जो हमारे जो ब्लैक कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं, ये आप EMCB साहब में कर रहे हैं ना यहाँ पर? जी सर। आप जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पीछे हमारे ब्लैक कलर की टी शर्ट पहने हुए EMCB कर रहे हैं साथ में, सो ये हमारे जो EMC के स्टूडेंट है, ये हमारे मिलन सर के भी इनको पढ़ने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। सो इसी तरह जुड़े रहे चैनल से, लाइक करें, अपडेट करें, और आपको पता चल गया होगा कि एशिया टेलीकॉम अपने शुरू के 5 दिनों में स्टूडेंट को क्या सिखाता है कि हमने 2 दिन के अंदर कंपोनेंट खत्म कर देते। याद है मैंने क्या बोला था? नहीं सीखे तो क्या बदल दूंगा? बदलूं क्या? नहीं। मेरा नाम क्या बोलो?
ठीक है, तो नहीं बदलने की जरूरत है, वैसे ही जुड़े रहे चैनल से, और जाते जाते ये कहेंगे कि इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं यहाँ एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा, मैं आया तो एमएससी करने था, लेकिन मैं एक आईफोन भी लेके आया कि मैं आईफोन का ट्रेनिंग करने, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने सर को ही दिया हुआ था, वो मेरे क्षेत्र में हर कोई रिटर्न दे दिया था, वो प्रॉब्लम थी बैटरी लीकेज की, बैटरी ड्रेन हो रही थी, आईफोन 6 था इनका, फुल चार्ज करने के 20 मिनट में पूरा बैटरी ड्रेन हो जाता, वो हमारे जो एरिया के जितने भी मीटर से जो आईफोन का काम बोलते हैं ऑब्वियस है, वो खुला हुआ था पूरा, वो कर नहीं पाया, लास्ट में मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने बोला दे दो, जिस कस्टमर का था मैंने ले लिया, आज वो मेरा सेट मेरे पास में है और कंप्लीट होके मिला है, ये रहा, नहीं तो कोई सोचेगा ना कि झूठ बोल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग आईफोन ट्रेनिंग यहाँ पे ज्वाइन करो, हर इंडिया में सबसे सस्ता फीस भी है, सबसे कम फीस है, और आपको जानते ही है, आपको जानते ही है, मैंने यहाँ ये मेरा तीसरा बार आना जबलपुर में, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपसे मुलाकात होगी, लेकिन ये मेरा नसीब का बात है कि मैं फिर से यहाँ आया और एशिया टेलीकॉम से फिर से जुड़ा, सही है, और हमारे विलन सर कभी लगा ही नहीं कि हम लोग सर के साथ फ्रेंडशिप, नहीं तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आईफोन ज्वाइन करें, क्योंकि मेरा सेट बना तो मैं जाहिर सा कैसा तक 10 दुकानदार से घुमा हुआ है, कुछ तो बात है, तभी तो मेरा सेट बन गया। ये बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि आईफोन के लिए जो माइंड में सेट कर रहे हैं कि मुझे आईफोन ट्रेनिंग करना है, वो एशिया टेलीकॉम, बिल्कुल, मैं दोस्तों मैं बताऊं, बहुत अच्छा है कि हमारे इस फ्रेंड ने हमारे लिए इतना कहा, आईफोन ट्रेनिंग में हम आपको चैलेंज करते हैं, आप 10 सेट लेके आइए, हम आपके लिए आपसे बनवाएंगे और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा इसमें। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे अभी तक आप एंड्रॉइड यहाँ पे सीख रहे थे, एमएमसी कर रहे थे, अभी आने वाले समय में यानी 15 फरवरी और 15 मार्च यानी 15 फरवरी से हमारा आईफोन का पहला बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि बहुत ही इंडिया के टॉप लेवल पे यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, जैसे कि सीपीयू, यहाँ पे 2 कोर्स रखे हैं, इसके बारे में आप एशिया टेलीकॉम चैनल पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल, और यहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस यहाँ पे सिखाया जाएगा, और सीपीयू लेवल पे आपको यहाँ पे काम सिखाया जाएगा, जिसके अंदर आपको स्वाइपिंग है या रिबॉल करना है, या फिर रैम निकालना है या रिबॉल करके लगाना है, या फिर आपको आईफोन की प्रोग्रामिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, या उसका आपको डाटा सेव करना है, कैसे रिकवर करना है, और आपको सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाएगी, चिप लेवल पे, आईसी लेवल पे और कंपोनेंट लेवल पे, चाहे वो ZSW से हो या फिर बूजिंग जी से हो, सारी स्कीमेटिक डायग्राम आपको बताया जाएगी यहाँ पर। तो जरूर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, SMS करें, या फिर आप यहाँ पे अपनी सीट बुक करवानी हो तो नीचे कॉल करिए 11 से 5 बजे के बीच में, और अपनी सीट बुक कराइए, क्योंकि फर्स्ट बैच हमारा 15 फरवरी से है, और जिसकी कई सारी सीटें बुक हो चुकी हैं, 2-4 सीटें शायद उसमें बची होंगी, और नेक्स्ट बैच हमारा होगा 15 मार्च, तो आप उसमें भी सीटें बुक करा सकते हैं। अगर आप कहीं से ऑलरेडी सीखे हैं लेकिन फिर भी आप काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे काफी सारे स्टूडेंट के कॉल आते हैं, क्वेरीज आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कि वो बोलते हैं कि हम जाके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के नाम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसी का भी नाम नहीं बोलेंगे, बस ये बोलेंगे कि वो नहीं सीखा है, तो हो सकता है उसके अंदर कुछ कमी है, या फिर वो जाके प्रैक्टिस नहीं किया है, या फिर जो भी बात है, अगर फिर भी आप काम नहीं कर पा रहे तो हमारे यहाँ आइए, हम 5 में से 3 की स्वाइपिंग आपके हाथ से खुद करवाएंगे, ये हमारे यहाँ पे गारंटी है, और आप यहाँ पे अपने खुद के 10 मोबाइल यहाँ लेके आ सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको सारी प्रैक्टिस यहाँ पर करवाएंगे और आपसे ही करवाएंगे, क्योंकि हमारा ये स्लोगन है कि वी टीच यू और यू फिक्स इट। तो फिर दोस्तों यहाँ पे हमने जो रखी है, यहाँ पे हमारा जो बेसिक टू एडवांस कोर्स है उसकी 45,000 है, और अगर आप यहाँ पे एडवांस लेवल का जो सीपीयू वाला कोर्स है अगर वो करना चाहते हैं तो उसकी भी 45,000 है। अगर आप दोनों मिलके कॉम्बो अगर करना चाहते हैं तो इसमें आपको बहुत ही सारा डिस्काउंट मिल रहा है, यानी दोनों कोर्स मिलके अगर आप करते हैं तो वो आपसे 60,000 फीस ली जाएगी। और इसमें एक बेनिफिट ये है दोस्तों कि आपको यहाँ पर 2 पीरियड में रखा है, यानी 15 दिन पहले करवाएंगे जो कि बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सीपीयू लेवल फिर 15 दिन बाद में बताएंगे कि आपका बेसिक जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको सीपीयू लेवल, क्योंकि आप बेसिक करोगे तो तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे अटक रहे हो, तो फिर आप वापस यहाँ पे आ सकते हो, जिसकी हम दोबारा आने वाली कोई फीस आपसे नहीं चार्ज की जाएगी, बिल्कुल फ्री है और एब्सोल्युटली फ्री है, आप दोबारा फिर आ सकते हो और आपको वैसे ही आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे जो भी आपके डाउट रहे। तो अब बताइए पहले के में और आपके में क्या अंतर है? बहुत फर्क है सर, जैसे कि हम जो बात करते हैं जस्ट जैसे अपन बात करते हैं, लेकिन यहाँ के यहाँ से जैसे अपन अपने शॉप जाते हैं तो बोलचाल की भाषा में बहुत फर्क है, अपन टेक्निकली बात करते हैं, बिल्कुल टेक्निकल सिग्नल अपन जैसे किसी को पूछे तो वो नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ के आपको पता चले EN सिग्नल क्या होता है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, शॉर्टिंग को कैसे ट्रेस किया जाता है, कोई लाइन उखड़ गई उसको कैसे रिपेयर किया जाता है,
ये सब सारी चीजें आपको यहीं आके सीखनी। आज भी बहुत सारे टेक्नीशियन ये काम कर रहे हैं, उसके बाद भी इसको स्प्लिन नहीं कर पाते हैं, उनको पता ही नहीं होते कंपोनेंट्स की जानकारी, फिर भी बहुत वो सिर्फ कर लेते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक अंदाजा अंदाजा वेरी गुड अंदाजा से कर नहीं कर सकते क्योंकि आप यहाँ कोई जादू करने नहीं बैठे हो। सही है, आप रिपेयरिंग करने बैठे, आपको एक्यूरेट रीडिंग, एक्यूरेट वोल्टेज, सब चीज की जानकारी होनी। साथ में है 28 दिसंबर का बैच, और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए। 5 दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि 5 दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए। यहाँ पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी, जिसने बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को। एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने एक से दो से एक ज्यादा बार किया है, जैसे किस किस ने किया है, एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। मैंने चार बार किया, 5 बार सर, 3 बार, 6 बार किया, 3 बार, 6 बार किया, 5 बार सर, 3 बार किया, 4 बार, 6 बार सर, 3 बार किया, 3 बार, 2 बार, 2 बार। फिर अरे वकार खान ने भी 2 बार किया है, वेरी गुड, 7 बार, वेरी गुड, 2 बार सर, 2 बार, 3 बार, 2 बार सर, 2 बार। जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज। 6 बार किया आपने, 4 बार किया है, वेरी गुड, 2 बार सर, इसमें से 2 बार, 2 बार। तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल, 2 बार सर। कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर थे, बिल्कुल जो फ्रेशर आए थे, बिल्कुल। आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है? सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है, सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है, यस सर भी बोलना है एक बार, ठीक है। अच्छा ठीक है, आदि चेहरे के लिए आप किन किन ने 1 टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर 1 टाइम सीपीयू निकाल के, अब एक बार अपने नंबर बता देना कि इन्होंने एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो कौन कौन ने ज्यादा किया है, एक बार नंबर बोल दो अपना। 8 बार बैठे रहकर, 8 बार किया तुमने, 3 बार सर, 3 बार, 2 बार, 2 बार, नंबर बोलते रहो, 2 बार सर, 2 बार, नंबर बोलते रहो बस, 14 बार सर, 14 बार, क्या बात कर रहे हो, इतना 2 बार किया, 2 बार किया, ये फेक तो नहीं बन रहा है, बताओ, 3 बार ऑन मोबाइल में, बिल्कुल आपने किया है। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने रिबॉलिंग आती है, जिनको हाथ उठाइए, जिनको रिबॉलिंग आती है, सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, चलिए ठीक है, हाथ नीचे के लिए। किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया, यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में, अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ, 30 दिन की क्लास है और आपने से 5 दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने एक से ज्यादा बार किया, आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए, 5 बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया। मैंने 6 बार, 6 बार, 5 बार, 6 बार, सर 5 बार, 7 बार, 2 बार, बोलते जाओ नंबर, बोलते जाओ, 5 बार, 4 बार, 2 बार, 6 बार, 5 बार, 5 बार, 5 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार, तो यहाँ पर आप लोग ने 2 बार, तो 4 बार यहाँ पर। ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर्किट डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा, मुझे बताओ, सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिस बिल्कुल सेटिस्ट हुआ है यहाँ पर। तो पहले दिन और अब अभी आप बाजू वाले को काम दोगे कि नहीं दोगे? क्या बोल, बाजू वाला मेरे पास आके अभी करेगा। अच्छा, आपने वीडियो तो बहुत सारे देख रहे होंगे, तो हमारी भी चीजें क्या अच्छी लगी आपको, मतलब कि आपने हमको ज्वाइन किया सर, आप लोगों का मतलब पढ़ाने का शुरू से मतलब शुरू से, और अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सा टेलीकॉम बेस्ट है तो वो सब बोलते हैं सब ऐसे टेलीकॉम बोलते हैं। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि सब ये पूछते हैं, इन्होंने रिव्यू भी लिए लोगों से, और वो ये बोलते हैं कि ऐसे टेलीकॉम बेस्ट है, इसलिए आप यहाँ आए। वहाँ से सेट में अटक जाता था, अगर मेरे पास पूरा सेट बन के नहीं जाता था, रिटर्न हो जाता था कस्टमर, तो फिर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के लिए एसे टेलीकॉम आया था 28 अगस्त की बैच में। एक महीना पूरा पढ़े आप? पूरा पढ़ा सर, उसके बाद मैं तो घर में जाके
बहुत से सेट बनने, पूरा पूरा सेट बनने लगा लगभग, और कुछ कुछ सेट अटका जो इमेंसी से प्रॉब्लम था, और वो सेट में क्योंकि डेड मोबाइल है आपके पास में, जेटेक नहीं, यूएफआई नहीं है, अभी आप कितनी एसी को रिवॉल्व चेंज करोगे, क्योंकि आपको ईएमसी चेक करने के लिए तो ये बॉक्स चाहिए ना। हाँ सर, तो मेरा तो यूएफआई जेटेक में कोई नॉलेज ही नहीं था, मेरे पास बॉक्स भी नहीं था, आईएसपी और ये ऑनलाइन वाले सेट भी नहीं कर पा रहे होंगे। बिल्कुल सर, तो फिर मैं सोचा कि मैं इस चीज में अटक रहा हूँ, मतलब बेस्ट मेरे एशिया टेलीकॉम से मिला है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, तो फिर बेस्ट मेरे को लगा कि एमएनसी में यही से करूँ, एशिया टेलीकॉम से। अच्छा तुम्हें अच्छा कब से काम कर रहे हैं? सर मेरा कॉन्फिडेंस छह साल से कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं चार साल से चीफ लेवल का काम करने के लिए कोशिश कर रहा था सर, हाँ, से हाँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था सर। मतलब आप समझ गए कि ये काम को सीखने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। सर जी सर, क्योंकि अकेले से सर्टिफाइड नहीं हो पा रहा, सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आप यूट्यूब से देखकर कितना सीख सकते हो सर? यूट्यूब से तो सर छोटा छोटा कर सकते हैं, लेकिन अपडेट हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, कुछ चीजों का पता लग सकता है, पर सर प्रैक्टिकली नॉलेज तो जाकर पता चलता है। तो ये चीज आप बताओ, आज और पहले दिन में कितना अंतर है? सर बहुत अंतर है सर, अभी तो मैं कॉन्फिडेंस बोल सकता हूँ कि मैं 100% कर रहा हूँ। सो पहले दिन और आपके मैं आपको वाकई में जो आपने सोचा था कि मैं उड़ीसा से एशिया टेलीकॉम आऊँ और यहाँ सीखूँ, सो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जो यहाँ पे आपने एशिया टेलीकॉम की टी शर्ट पहनी है वो दिल से पहनी है कि नहीं पहनी है? पहले क्या था सर, इसमें कोई फोन बनाया फुल शॉटिंग तो बना लेता है, अब शॉटिंग क्या होता है, मैंने मतलब कंपोनेंट खराब हो तो पावर इस निकाले सब कुछ और क्या मुझे सर बहुत अच्छा समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा, अरे आपको आ गया हाँ, पकड़ के सिखाने का तरीका मतलब दोनों पावर सही बात है। इंडिया का नंबर वन शूट कौन है? आप ही लगा कि प्रॉपर में आप, थैंक यू सो मच, एक बार ताली बजा दो इन्होंने। परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है, कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है, जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना एक महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, बाबा चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे भी अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था, आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है, कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया, तो स्टेटस भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, जो तरकीब बना रहा था अच्छा मोबाइल बना के लिए, वो टेक्नीशियन लोग तो उनको नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट करते, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है,
सब कुछ बना मांगे तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर लेकिन हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए बोले कि मेरा दिल बोल रहा है हाँ क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। सर ये भी बोले हाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है बोलना नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे बोलेंगे मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हमको भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है चुना जाए तो मैंने फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया तो फिर जनता को चुना। तो आप सर 100% सर्टिफाइड है और यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फायदे को फॉलो कर सकता हूँ। सर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल में खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था भी मैं हर एक फायदे को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे की मतलब कुछ है हाँ कुछ कर सकते हैं। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था तो हमको भी लगा यार तो हमको भी घुस नहीं से मतलब इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Monsoon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.